दोस्तों हम सभी कभी ना कभी भारतीय रेलवे से सफर जरूर करते हैं और हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब तक पर जाने के लिए भारतीय रेलवे का यूज करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स होती है गवर्नमेंट की। लेकिन दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे का बहुत ही जल्द किराया एक बार फिर से बढ़ने वाला है और पर किलोमीटर के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। ये किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है और अब आपको कितना रुपये देना होगा, इन सभी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कहीं पर भी स्किप मत करना। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम हर रोज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी खबर ढूंढ करके लाते रहते हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपना प्यार दिखाएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय रेलवे कितने रुपए की किराए का इजाफा करने वाला है और ये क्यों किराए में इजाफा किया जा रहा है। दोस्तों वैसे तो भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई ना कोई सुविधा का ऐलान करता रहता है, लेकिन अब यात्रियों को झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल्द ही रेलवे ट्रेन की सभी श्रेणी का किराया बढ़ने का ऐलान कर सकता है। रेल यात्रियों को झटका लग सकता है क्योंकि किराए में 5 पैसे प्रति किलोमीटर से लेकर के 40 पैसे प्रति किलोमीटर तक का इजाफा हो सकता है। इसका मतलब होगा कि बढ़ोतरी 10-20% तक हो सकती है। इसलिए इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें रेल यात्रा के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसकी घोषणा इसी हफ्ते की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी हफ्ते से भारतीय रेलवे के किराए को बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि न्यू ईयर आते आते आप देखेंगे कि किराए में बढ़ोतरी की जाएगी और आपको पैसे ज़्यादा देने होंगे। आपको टिकट बुक कराने में अब आपको ज़्यादा पैसे पे करने होंगे और ये पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से 5 पैसे से लेकर के 40 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की। अभी हम आपको बिल्कुल करेक्ट नहीं बता सकते कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है। इस संदर्भ में रेलवे सूत्रों ने कहा है कि संसदीय समितियों की सिफारिशों और परिचालन अनुपात पर बढ़ते दबाव के कारण यह कदम उठाया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके लिए हरी झंडी भी मिल गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा नई दरों का खाका तैयार किया जा चुका है। आगे जानते हैं कि किराए में इजाफे के बाद रेलवे की आय में कितना अंतर आएगा। रेलवे द्वारा किराया बढ़ाए जाने के बाद उसकी आय में प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इतना ही नहीं, इससे रेलवे का परिचालन अनुपात भी सुधरेगा। रेलवे बोर्ड झारखंड विधानसभा के चुनाव के पूरा होने के प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए अब जल्द ही रेल टिकट के नए फेयर का ऐलान किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से भारतीय रेलवे ने सीधे तौर पर यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं की है। रेलवे घाटे में है और आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है, इसी वजह से भारतीय रेलवे इसका किराया बढ़ाने की सोच रहा है। रिफंड नियमों में बदलाव का भी खासा फायदा नहीं हुआ है, इसलिए परिचालन अनुपात को संतुलित रखने के लिए किराया बढ़ाना बहुत जरूरी है। बता दें कि डीजल व बिजली जैसे जरूरी खर्च बढ़ाने से रेलवे का परिचालन अनुपात 98.4% से ज्यादा हो गया है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। दोस्तों इस वजह से रेलवे का किराया बढ़ाया जा रहा है और आपको रेलवे के लिए ज्यादा पैसा पे करना होगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो को और लोगों के साथ जरूर शेयर करना ताकि सभी लोगों को ये जानकारी पहुंच सके और सभी लोगों को पता चल सके कि किराए में बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।